देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है तथा इसे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंडी में पत्रकार वार्ता में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स की दरों में ऐतिहासिक कटौती की है और कई प्रकार की राहत भी प्रदान की है। देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है तथा इसे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंडी में पत्रकार वार्ता में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स की दरों में ऐतिहासिक कटौती की है और कई प्रकार की राहत प्रदान की है। आज के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15% की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं। ये लाभ उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी छूट का लाभ नहीं उठाती और 31 मार्च 2023 को या उससे पहले अपने उत्पाद को शुरू करती हैं। शेयरों की पुनः खरीद की घोषणा 5 जुलाई 2019 से पहले करने वाली कंपनियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2014 में भारत दुनिया का सबसे अधिक टैक्स रेट वाला देश था। इससे कंपनियों का निर्यात और आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती थी। अधिक टैक्स होने के कारण कंपनियां विश्व की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दर को धीरे धीरे कम कर दिया है। भारत की कंपनियां अब विश्व की अन्य बड़ी कंपनियों के मुकाबले में आगे निकल गई हैं। टैक्स रेट कटौती के पीछे संदेश साफ है कि कंपनियों के पास अधिक धन निवेश, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन, उच्च विकास, उत्पादन में वृद्धि और अत्यधिक आमदनी है। 2017 में देश में बैंकों की संख्या 27 थी, जो अब 12 हो गई है। सभी बैंकों ने ऋण धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए MCLR में कमी करके दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। 45 लाख तक के घरों के लिए 31 मार्च 2020 तक किए गए ऋण के ब्याज पर 1.50 लाख तक छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी का विपक्ष जो रोना रो रहा है वे तथ्यहीन है तथा विपक्ष के नेताओं को कुछ कहने से पूर्व अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। पूर्व सरकार के समय खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही थी, उसे सरकार ने निम्न स्तर पर पहुंचाकर स्थिर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व में आर्थिक स्थिति के मामले में शीर्षक बनकर उभर रहा है। पूरे विश्व में आया, ये दौर केवल भारत में ही नहीं आया, दुनिया के सभी देशों में आर्थिक मंदी का दौर आया और भारत उसे अछूता नहीं रहा और हमारी GDP जो थी वो 5.2 रह गई। लेकिन जो सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हमने टारगेट रखा है कि उसको 7 पॉइंट पर पहुंचाने का, और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह सरकार ने योजना बनाई है, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमन जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो रिबेट दिए हैं, उसके अच्छे निर्णय देखने को मिलेंगे। बैंकों के विलय हुए, जो बैंक छोटे बैंक थे उससे भी फायदा होगा। और दूसरा बड़ा काम एक और हमारे मोदी सरकार ने किया है कि 2014 से पहले दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला देश भारत था। टैक्स पर टैक्स लगते थे और जो हमारी सरकार ने कदम उठाया और जो टैक्स कम किए उसके कारण आज कंपनियों को, उद्योग जगत को, बैंकों को जो दिवालिया घोषित होने वाले थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है टैक्स से। तो जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए आज भारत उससे आगे बढ़ा। तो मैं इतना कहूंगा कि ये जो दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया, विरोधी दलों ने किया, वो कोई भी बात लेकर प्रचार कर में पीछे नहीं छूटते हैं। उनका लक्ष्य सरकार को झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने का रहता है। और इसमें भी जब देश हुंकार भर रहा है पूरे विश्व में, लेकिन वो फिर भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर दुनिया की आंखों में, देश की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न। कार्यक्रम में वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।